नमस्कार, आज की इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। मंत्री धनंजय मुंडे के मामले में दायर चार्जशीट से बड़ा खुलासा हुआ है। बताया गया है कि उनकी लिव इन पार्टनर करुणा शर्मा की बहन की ओर से उत्पीड़न के आरोपों के बाद मानसिक तनाव के कारण उनकी तबीयत बिगड़ी। तो महाराष्ट्र में आज विधान परिषद की 10 सीटों के लिए मतदान होना है और इस चुनाव में जीत के लिए हितेंद्र ठाकुर की दरबार में कई बड़े नेताओं ने हाजिरी लगाई। वहीं संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने की कोशिश में जुटे आयरलैंड में भारतीय राजदूत अखिलेश मिश्र ने मुंबई में एक बातचीत के दौरान कहा कि संस्कृत आज के युवाओं के लिए पथ प्रदर्शक हो सकती है। इसी बीच अग्निपथ योजना को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने इस योजना को हायर एंड फायर, इस्तेमाल करो और फेंक दो की नीति करार किया। तो उधर महाराष्ट्र के विधायक नवाब मलिक और अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए विधान परिषद चुनाव में वोट डालने की इजाजत मांगी है। प्रदेश भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महाराष्ट्र सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे के मामले में दायर चार्जशीट से बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें बताया गया है कि मुंडे को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। उनकी लिव इन पार्टनर करुणा शर्मा की बहन की ओर से उत्पीड़न के आरोपों के बाद मानसिक तनाव के कारण उनकी तबीयत बिगड़ी। उन्हें 13 अप्रैल को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मालूम हो कि रेणु शर्मा के खिलाफ शनिवार को जबरन वसूली के आरोप में चार्जशीट दाखिल की गई थी। 20 अप्रैल को क्राइम ब्रांच ने रेणु को मध्य प्रदेश के इंदौर से मुंडे से कथित तौर पर 5 करोड़ रुपए मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कहा कि रेणु के पास आय का कोई स्रोत नहीं था, लेकिन उसके बैंक खातों में भारी लेन देन मिला था। पुलिस ने बताया कि 2017 में एक बैंक की ओशिवारा शाखा में खोले गए एक खाते में भारी मात्रा में धन जमा हुआ था और फरवरी में केवल 6,652 रुपए शेष थे। पुलिस ने इंदौर के एक डेवलपर का भी बयान दर्ज किया, जिसने कहा था कि रेणु ने फरवरी में इंदौर के नेपेनिया रोड के BCM पार्क में लगभग 54.2 लाख रुपए में डुप्लेक्स खरीदा था। मुंडे ने भी पहले कहा था कि उन्होंने हवाला के जरिए रेणु को 50 लाख रुपए और एक आईफोन दिया था। दो हवाला ऑपरेटर्स ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने मुंडे की ओर से इंदौर में रेणु को पैसे दिए थे। लगातार प्रताड़ना और जबरन वसूली की मांग के कारण मुंडे डिप्रेशन में चले गए थे। वह 12 से 16 अप्रैल तक अस्पताल में भर्ती रहे। उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया और फिर ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज हुआ। महाराष्ट्र में आज विधान परिषद की 10 सीटों के लिए मतदान होना है, जिसमें MVA और BJP के प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। राजनीतिक बिसात पर एक चेहरा ऐसा रहा जिसके आगे पीछे सभी मोहरे चक्कर लगाते रहे। वह चेहरा है हितेंद्र ठाकुर का। हाल में संपन्न हुए राज्यसभा चुनाव में भी ऐसा कोई दल नहीं था जिसने हितेंद्र ठाकुर के दरबार में हाजिरी न लगाई हो। हर पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार की जीत पक्की करने के लिए विरार आकर ठाकुर से मुलाकात की थी। हालांकि ठाकुर ने आखिर तक अपने पत्ते नहीं खोले थे। वैसे ही विरार और पालघर इलाके में उनका राज चलता है। हितेंद्र ठाकुर बहुजन विकास आघाड़ी नामक पार्टी के अध्यक्ष है और बहुजन विकास आघाड़ी के फिलहाल 3 विधायक हैं, जिन्होंने बीते राज्यसभा चुनाव के दौरान BJP की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। विधान परिषद चुनाव में भी हितेंद्र ठाकुर के विधायकों की अहम भूमिका रहने वाली है। माना जा रहा है कि पार्टी के 3 विधायक जिस उम्मीदवार की तरफ झुक जाएंगे उसकी जीत निश्चित है। बता दें कि बहुजन विकास आघाड़ी का नगर पालिका से लेकर जिला पंचायत, जिला समिति ही नहीं विधानसभा तक में खासा प्रभाव है। ठाकुर का नाम PMC बैंक घोटाले में भी सामने आया था। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के तहत उनके विवा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर ED ने छापेमारी भी की थी। देखना दिलचस्प होगा कि नतीजे क्या गुल खिलाते हैं और किसकी साख मजबूत होती है। आयरलैंड में भारतीय राजदूत अखिलेश मिश्र लंबे समय से सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने की कोशिश में जुटे हैं। मुंबई में एक बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इस वर्ष भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो आयरलैंड ने भी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे किए हैं। इस उपलक्ष्य में डबलिन स्थित भारतीय राजदूतावास ने इंडिया आयरलैंड फ्रेंडशिप लेक्चर सीरीज शुरू की है। इसके जरिए दोनों देशों की उपलब्धियों और नवाचारों को सोशल मीडिया की मदद से दोनों देशों की जनता तक पहुँचाया जाएगा। भारतीय संस्कृति का मूल होने के चलते संस्कृत भाषा की इसमें बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा भारतीय संस्कृति, जीवन दर्शन और चिंतन परंपरा का आधार है। दार्शनिक, आध्यात्मिक और लौकिक विषयों पर संस्कृत के अथाह साहित्य ने भारत की अस्मिता और उसकी मूल प्रवृत्ति का निर्धारण किया है।
इसके अलावा संस्कृत साहित्य के चलते ही देश में लोकतांत्रिक मूल्य, धर्मनिरपेक्षता, अनेकता में एकता और सौहार्दपूर्ण तरीके से समन्वय स्थापित करने की प्रवृत्ति पनपी है। इसलिए संस्कृत भाषा को देश में ही नहीं वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। मिश्र ने कहा कि संस्कृत भाषा ज्ञान का अथाह सागर है। आधुनिक युग की गंभीर चुनौतियां जैसे आतंकवाद, व्यक्तिगत अशांति, तनाव, सामाजिक विघटन, प्रकृति के शोषण से पैदा होने वाली विभीषिका से निपटने के लिए संस्कृत पथ प्रदर्शक हो सकती है। इसलिए युवा पीढ़ी को भी इस दिशा में गर्वबोध से प्रेरित करने की आवश्यकता है। अग्निपथ योजना को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने इस योजना को हायर एंड फायर, इस्तेमाल करो और फेंक दो की नीति करार दिया। उन्होंने कहा कि अनुबंध पर सैनिकों की नियुक्ति खतरनाक है, युवाओं के जीवन और भविष्य से खिलवाड़ किया जाएगा, तो वह भड़केंगे नहीं तो क्या करेंगे। यदि सब कुछ अनुबंध पर करना है तो टेंडर जारी करके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी अनुबंध पर करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी के हृदय में राम है, लेकिन हाथ में काम नहीं होगा तो केवल राम राम कहने का कोई उपयोग नहीं होगा। 17 साल के बच्चे शिक्षा के बोझ के नीचे दबे होते हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद 21-22 साल में बच्चों पर नौकरी और जीवन को आगे बढ़ाने का बोझ शुरू हो जाता है। इन नौजवानों को युवावस्था में सेना में भर्ती होने के लिए मृग तृष्णा दिखाया जाएगा, उन्हें मृगजल के पीछे दौड़ाया जाएगा, फिर 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद वह नौजवान क्या करेगा यह किसी को पता नहीं है। 10% आरक्षण से कितने अग्निवीरों को फायदा मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने के वादे का क्या हुआ, अब अचानक अग्निपथ योजना की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के आधार स्तंभ युवाओं के भविष्य खिलवाड़ किया जाएगा, तो वह भड़केंगे नहीं तो क्या करेंगे। युवाओं को भड़कने का अधिकार है, क्योंकि उन्होंने चुनाव में एक विश्वास करके केंद्र में सत्ताधारियों को मतदान किया था। उन्होंने कहा कि सत्ता मिलने के बाद यदि सरकार कामकाज नहीं कर पा रही है तो ऐसी सरकार शासन चलाने के लिए नालायक है। महाराष्ट्र के विधायक नवाब मलिक और अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए विधान परिषद चुनाव में वोट डालने की इजाजत मांगी है। दोनों एनसीपी नेता इस समय जेल में हैं। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में दोनों नेताओं को वोट देने के लिए जेल से बाहर जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले को अब नवाब मलिक और अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। आज की सुनवाई अहम है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक और राज्य के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में दी अपनी याचिका में कहा है कि वो एक निर्वाचित प्रतिनिधि है, एक विधायक के तौर पर उन्हें वोट देने का वैधानिक अधिकार है, जिसे जेल में बंद होने की वजह से छीना नहीं जा सकता है। बता दें कि महाराष्ट्र के विधायक नवाब मलिक और अनिल देशमुख धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत 2 अलग-अलग मामलों में मुंबई की जेल में बंद है। दोनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट से MLC चुनावों में वोट डालने के लिए अस्थायी रिहाई दिए जाने का अनुरोध किया था। 17 जून को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोनों विधायकों को MLC चुनावों में वोट डालने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन 11 में से 6 उम्मीदवार सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी अर्थात कांग्रेस, शिवसेना और NCP के 2-2 प्रत्याशी है, वही भाजपा ने जबकि 5 उम्मीदवार उतारे है। अग्निपथ योजना के खिलाफ भारत बंद के ऐलान और राहुल गांधी से ईडी के पूछताछ के बाद दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों और रेल पटरियों पर उतरे और भारी हंगामा किया, तो भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि इस देश में कोई महारानी विक्टोरिया या राजकुमार नहीं है कि उनकी जाँच नहीं होगी, कानून सभी के लिए समान है। वही अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए दान करने वालों में लगभग 22 करोड़ के कई चेक ऐसे हैं जो बाउंस हो गए हैं। इन्हें अलग करते हुए एक दूसरी रिपोर्ट बनाई जा रही है। इस बीच ओडिशा की सत्ताधारी पार्टी BJD के विधायक विजय शंकर दास अपनी ही शादी में ना पहुंच कर घिर गए हैं। अब उनकी मंगेतर ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। तो उधर राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी दलों को साथ लाने की कोशिश में जुटी तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बैनर्जी ने राकांपा प्रमुख शरद पवार की तरफ से बुलाई गई बैठक में नहीं आने का फैसला किया है। देश भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अग्निपथ योजना के खिलाफ भारत बंद के ऐलान और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के बीच दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों और रेल पटरियों पर उतरे। नई दिल्ली में शिवाजी ब्रिज स्टेशन पर बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटे और उन्होंने एक ट्रेन का रास्ता भी रोक दिया। कुछ कार्यकर्ता इंजन पर चढ़ गए। सुरक्षा कर्मियों ने काफी मशक्कत के साथ इन्हें हटाकर ट्रेन को रवाना किया। उधर कनॉट प्लेस में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर नारेबाजी की और बसों के आगे खड़े हो गए।
राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर आक्रोशित कांग्रेस ने अग्निपथ योजना पर युवाओं के गुस्से को देखते हुए इस मुद्दे को भी अपने आंदोलन का हिस्सा बना लिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के अलावा कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में जंतर मंतर पर कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है। इस बीच कनॉट प्लेस में अचानक सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे और हंगामा करने लगे। पुलिस को इन्हें संभालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। शिवाजी ब्रिज पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शिवाजी ब्रिज से करीब आधे घंटे तक ट्रेनों की आवाजाही बाधित रही। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को जबरन पटरियों से हटाया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। कांग्रेस के प्रदर्शन की वजह से सोमवार को दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस ने कई रास्ते बंद कर दिए, जिस कारण राजधानी में कई स्थानों पर भीषण जाम लगा। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर गांधी परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि ईडी प्रवर्तन निदेशालय है, एंटाइटलमेंट डिमांड नहीं। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि हम फर्स्ट फैमिली से आते हैं और हमारी जांच कैसे हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। संबित पात्रा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि इस देश में कोई महारानी विक्टोरिया या राजकुमार नहीं है कि उनकी जाँच नहीं होगी। कानून सभी के लिए समान है। भ्रष्टाचार के मामले में हर किसी की जांच की जा रही है। जनता एक परिवार की संलिप्तता और नेशनल हेराल्ड घोटाले के माध्यम से देश के धन के दुरुपयोग में राहुल गांधी की भूमिका के बारे में जानती है। मालूम हो कि नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी आज फिर प्रवर्तन निदेशालय के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए हैं। इससे पहले ईडी ने 17 जून यानी शुक्रवार को उनसे पूछताछ के लिए चौथी बार तलब किया था, लेकिन उन्होंने अपनी मां सोनिया गांधी की सेहत का हवाला देते हुए ईडी से उन्हें 17 से 20 जून तक पूछताछ के लिए पेश होने से छूट मांगी थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। राहुल गांधी कथित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में लगातार तीसरे दिन बुधवार को भी ईडी के समक्ष पेश हुए थे और जांच एजेंसी ने 8 घंटे से अधिक समय तक उनसे एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और इसका स्वामित्व रखने वाली कंपनी यंग इंडियन से जुड़े निर्णयों में उनकी निजी भूमिका के बारे में पूछताछ की थी। राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट की ओर से चलाए गए निधि समर्पण अभियान में अब तक कुल 5,457.94 करोड़ की धनराशि एकत्र हो चुकी है। हालांकि यह संख्या अभी अंतिम नहीं है, क्योंकि जिलावार ऑडिट का काम अभी पूरा नहीं हो सका है। फिलहाल अखिल भारतीय स्तर से निधि समर्पण अभियान की मॉनिटरिंग कर रही टीम की गणना में एक टेंटिव रिपोर्ट सामने आई है। इसके अनुसार श्री राम मंदिर के लिए दान करने वालों में लगभग 22 करोड़ के कई चेक ऐसे हैं जो बाउंस हो गए हैं। इन्हें अलग करते हुए एक दूसरी रिपोर्ट बनाई जा रही है। रिपोर्ट के जरिए चेक बाउंस होने के कारणों का पता लगेगा। तकनीकी कारणों से बाउंस होने वाले चेक को बैंक के साथ बैठक करके दोबारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक कूपनों व रसीद के जरिए 2,253.97 करोड़ की निधि एकत्र हुई। इसी तरह से डिजिटल माध्यमों से 2,753.97 करोड़ व SBI, PNB व BOB के बचत खातों में करीब 450 करोड़ की धनराशि एकत्र हुई है। ट्रस्ट की ओर से निधि समर्पण के 10, 100 व 1000 के कूपन छपवाए गए थे। इसके अलावा इससे अधिक की धनराशि के लिए रसीदों का प्रयोग किया गया। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट में बताया गया कि 10 रुपये के कूपन से 30.99 करोड़, 100 रुपये के कूपन से 372.48 करोड़ व 1000 के कूपन से 225.46 करोड़ व रसीदों के जरिए 1,625.04 करोड़ की निधि एकत्र हुई। इस प्रकार कुल राशि 2,253.97 करोड़ हुई। ओडिशा की सत्ताधारी पार्टी BJD के विधायक विजय शंकर दास अपनी ही शादी में न पहुंचकर घिर गए हैं। अब उनकी मंगेतर ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। विधायक का कहना है कि वह अगले 60 दिनों के अंदर अपनी मंगेतर से विवाह कर लेंगे। महिला ने दावा किया है कि विधायक की फैमिली भी लगातार उस पर यह दबाव बना रही थी कि वह शादी न करे। यही नहीं, महिला ने कहा कि मुझे कई बार इस बारे में धमकी देने की भी कोशिश की गई। विजय शंकर दास पर पुलिस ने धोखाधड़ी, धमकी देने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में केस दर्ज किया है। दरअसल विधायक और उनकी मंगेतर ने 17 मई 2022 को शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया था। महिला अपने परिवार के साथ रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंची थी, लेकिन विधायक महोदय नहीं आए। इस पूरे मसले पर बात करते हुए विधायक ने कहा कि मैं उससे अगले 60 दिनों में शादी के लिए तैयार हूँ। मैं समय रहते शादी करने का प्रयास करूंगा। धोखाधड़ी के आरोपों पर भी विजय शंकर दास ने कहा कि मैंने कभी भी शादी के लिए इनकार नहीं किया, यहां तक कि मैंने मीडिया के सामने ऐलान किया है, इसलिए धोखाधड़ी का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता है।
दास पर धोखाधड़ी का आरोप लगाने वाली महिला का कहना है कि वह विधायक के साथ 3 साल से रिलेशनशिप में थी और उन्होंने 17 मई को शादी करने का वादा किया था। बता दें कि विजय शंकर दास पूर्व मंत्री विष्णु चरण दास के बेटे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी दल अभी भी उम्मीदवार की तलाश में है। एक के बाद एक बैठकें जारी है, लेकिन किसी नाम पर सहमति नहीं बनती दिख रही। इसी बीच बड़े नेताओं का पीछे हटना भी देरी का कारण हो सकता है। अब विपक्षी दलों को साथ लाने की कोशिश में जुटी तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी खुद चर्चा से दूरी बना रही है। खबर है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार की तरफ से बुलाई गई बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नदारद रहेंगी। इधर कांग्रेस भी चर्चाओं में कम सक्रिय नजर आ रही है। इस बीच जानकारों का मानना है कि 2012, 2017 और 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में एक खास पैटर्न नजर आता है कि विपक्ष बगैर ठीक से होमवर्क किए तैयारियों में जुट जाता है। विपक्षी दलों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अब तक हुई बैठकों में पार्टी सक्रिय न रहकर केवल हिस्सा ही बनी है। साथ ही कांग्रेस ने अब तक कोई नाम की भी पेशकश नहीं की है। अब ऐसे में यह कहा जा सकता है कि पार्टी अन्य दलों का मूड भांप रही है और सारी कोशिशों के बाद बड़ी घोषणा कर सकती है। इसके अलावा एक कारण दूसरी परेशानियों को भी माना जा सकता है। राहुल गांधी समेत पार्टी के कई नेता जांच एजेंसियों के रडार पर है। ऐसे में अपनी ही मुश्किलों में उलझी कांग्रेस अन्य चर्चाओं में सक्रिय भूमिका नहीं निभा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति में मेगा एंट्री की कोशिश में है, इसलिए वह सोच समझकर चाले चल रही है। चीन में शी जिनपिंग के अधिनायकवाद शासन के खिलाफ बहुत बड़े विद्रोह की आहट सुनाई देने लगी है, तो अल्पसंख्यकों के लिए खतरनाक बनते जा रहे अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदुओं और सिखों को भारत सरकार ने देश बुलाने का फैसला किया है। वही विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख भी अब इस दावे पर विश्वास कर रहे हैं कि कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर के एक लैब से एक हादसे के बाद लीक हो गया था। तो उधर ब्रिटेन के एक टॉप जनरल ने सभी सैनिकों को तीसरे विश्व युद्ध में रूस के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होने को कहा है। इसी बीच एक इजरायली ब्रिटिश जादूगर ने दावा किया कि मंगल पर देखे गए मुड़े हुए रॉक टावर के बारे में नासा झूठ बोल रहा है। दरअसल वह अवशेष एक दुर्घटनाग्रस्त यूएफओ के है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चीन में शी जिनपिंग के अधिनायकवाद शासन के खिलाफ बहुत बड़े विद्रोह की आहट के बीच कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने अपने लाखों रिटायर्ड कैडर्स को एक जगह जुटाना शुरू कर दिया है। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि चीन में कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ कभी भी भारी विरोध फूट सकता है। दरअसल कम्युनिस्ट पार्टी देश के सामने 2 सबसे बड़ी संकटों से डर गई है। पहली सबसे बड़ी समस्या है देश में जनसंख्या का विकास रुक जाना, और दूसरी सबसे बड़ी आशंका इस बात को लेकर है कि चीन की एक बहुत बड़ी आबादी जिसमें सबसे ज़्यादा बूढ़े लोग हैं, वो शी जिनपिंग के शासन के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। एक मुद्दा यह भी है कि कोविड की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था को गंभीर झटका लगा है। लाखों लोगों की नौकरियां चली गई है, औद्योगिक उत्पादन ठप हो गया है और देश का निर्यात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इससे चीन में गंभीर महंगाई आ गई है और चीन के गरीब लोगों में गुस्सा काफी ज्यादा भड़क गया है। शी जिनपिंग की सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए बेताब कदम उठाए हैं, लेकिन इसके बाद की जीरो कोविड पॉलिसी ने आर्थिक अस्थिरता के दूसरे चरण को जन्म दे दिया, क्योंकि लाखों नागरिकों को क्वारंटाइन में मजबूर किया गया और इस दौरान उनके लिए किसी भी तरह की सुविधाओं का प्रबंध नहीं किया गया। बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री ली केकियांग को स्थिति संभालने के लिए आगे कर दिया, ताकि लोगों का ध्यान शी जिनपिंग से भटक जाए। लेकिन हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोगों को दुर्लभ प्रदर्शनों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। चीन की सोशल मीडिया पर सरकार विरोधी नारे लगे, जिससे सड़कों पर अशांति फैल गई। CCP ने महसूस किया कि अगर स्थिति को कंट्रोल नहीं किया गया तो यह विरोध प्रदर्शन एक दिन पार्टी नेतृत्व को ही चुनौती दे सकती है। अल्पसंख्यकों के लिए खतरनाक बनते जा रहे अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदुओं और सिखों को भारत सरकार ने देश बुलाने का फैसला किया है। काबुल में गुरुद्वारे पर हमले के बाद हिंदुओं और सिखों को ई वीजा जारी कर दिए गए हैं। रिपोर्टों के अनुसार राजधानी काबुल शहर में सिख गुरुद्वारा पर लक्षित हमले के बाद भारत सरकार ने अफगानिस्तान में रहने वाले 100 से अधिक सिखों और हिंदुओं को प्राथमिकता के आधार पर ई वीजा दे दिया है। बता दें कि इस्लामिक आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदुओं और सिखों पर हमले करने की धमकी दी थी। इसी कड़ी में परवन गुरुद्वारे पर शनिवार को हमला भी किया गया था। यह हमला एक बड़ी त्रासदी बन सकता था अगर मौके पर मौजूद सुरक्षा गार्डों ने जान जोखिम में डालकर विस्फोटक से भरे एक वाहन को गुरुद्वारे में पहुंचने से पहले नहीं रोका होता। हमला सुबह सुबह हुआ था और उस वक्त करीब 30 लोग गुरुद्वारे के अंदर मौजूद थे। मृतकों में एक सिख और तालिबान की इस्लामिक अमीरात सेना का एक जवान शामिल था।
आईएसआईएस खुरासान से जुड़े हमलावरों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा था कि काबुल में कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले से स्तब्ध हूँ, मैं इस बर्बर हमले की निंदा करता हूँ और भक्तों की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूँ। इसके बाद खौफजदा सिख समुदाय ने मोदी सरकार से शरण देने की गुहार लगाई थी। एक घायल के परिवार ने कहा कि अफगानिस्तान में सिखों के सिर्फ 20 परिवार बचे हैं, अगर मोदी सरकार उन्हें वीजा देती है तो वो फौरन भारत आ जाएंगे। और अब रिपोर्ट है कि मोदी सरकार ने सिखों के साथ साथ डर के साये में जीने वाले अफगान हिंदुओं को भी वीजा दे दिया है। पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन दावा किया जाता रहा है कि ये चीन के वुहान शहर की वायरस लेबोरेटरी से लीक हुआ है और पूरी दुनिया में तबाही के लिए चीन जिम्मेदार है। अब कहा जा रहा है कि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख भी इस दावे पर विश्वास कर रहे हैं कि कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर के एक लैब से एक हादसे के बाद लीक हो गया, इसलिए संभव है कि कोरोना की उत्पत्ति को लेकर वुहान लैब की थ्योरी ही सही हो। उन्होंने पहले भी कहा था कि वायरस की उत्पत्ति को लेकर किसी भी थ्योरी को नकारा नहीं जा सकता। कोरोना वायरस वुहान शहर से फैला था और इसने वहां बड़ी तबाही मचाई थी। पश्चिमी देशों की सीक्रेट सर्विस कोरोना वायरस को वुहान से फैलने का आरोप लगाती रही है। एजेंसियों के मुताबिक चीन की सीक्रेट लैब में 1600 किलोमीटर दूर रहने वाले चमगादड़ों में पाए जाने वाले वायरस पर अध्ययन चल रहा था। संदेह है कि इन गुफाओं से ही कोविड की उत्पत्ति हुई हो। यह जानकारी तब सामने आई है जब दुनिया भर में इस वायरस से 1.8 करोड़ लोगों की मौत हो चुकी है। चीन वायरस लीक को शुरुआत से ही साजिश बताता रहा है। हालांकि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति उन लोगों में से थे जो सीधे तौर पर चीन को कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार मानते थे। WHO ने पिछले साल साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर द ओरिजिन्स ऑफ नोवेल पैथोजेंस की स्थापना की थी। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी ताकि कोरोना वायरस की उत्पत्ति जानने के लिए किन किन अध्ययनों की जरूरत होगी इसका पता लगाया जा सके। WHO की इस जाँच का चीन ने जमकर विरोध किया था, जिसका निष्कर्ष था कि कोरोना वायरस किसी अज्ञात प्रजाति के माध्यम से चमगादड़ में और फिर उससे मनुष्यों में पहुंचा है। रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी भी जारी है। इसी बीच ब्रिटेन के एक टॉप जनरल ने सभी सैनिकों को तीसरे विश्व युद्ध में रूस के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होने को कहा है। ब्रिटेन के नए सैन्य कमांडर जनरल पैट्रिक सैंडर्स ने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में खून की नदियां बहाई है। विश्व की सुरक्षा की नींव को पुतिन ने हिलाकर रख दिया है, इसलिए उन्होंने एक ऐसी सेना बनाने की कसम खाई है जो रूस को युद्ध में हरा सकती है। उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों से कहा कि उन्हें यूरोप में एक बार फिर से लड़ने के लिए तैयार होने की जरूरत है। उन्होंने देशभर के सैनिकों के नाम अपने पहले संदेश में कहा कि 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के तानाशाह ने आक्रमण किया है, जिसके बाद दुनिया बदल गई है। दूसरे विश्व युद्ध का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हम वह पीढ़ी है जिसे यूरोप में एक बार फिर से लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। सरकार ने सेना में 73,000 सैनिकों की कटौती की है, जिसके बाद पिछले 300 साल में पैट्रिक सैंडर्स सबसे छोटी सेना का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं 1941 के बाद पहला जनरल हूँ जिसके कार्यकाल में यूरोप पर युद्ध की छाया पड़ रही है। यूक्रेन पर रूस का हमला हमारे मुख्य उद्देश्य को रेखांकित करता है, जो भूमि पर युद्ध लड़ना और जीतने के लिए तैयार होकर ब्रिटेन की रक्षा करना है। बता दें कि जनरल सैंडर्स इराक और अफगानिस्तान में भी नेतृत्व कर चुके हैं। उन्होंने कसम खाई है कि वह सेना के आधुनिकीकरण की योजना में तेजी लाएंगे और ब्रिटेन के बाहर सेना को फैलाएंगे। ये दोनों कदम नाटो को मजबूत करेंगे और रूस के यूरोप में बढ़ते कदम को रोकेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी सबसे पहली ड्यूटी ये है कि हम अपनी सेना को जितना हो सके उतना घातक और प्रभावी बनाएं, और यह आज की मांग भी है। पिछले दिनों मंगल ग्रह पर वैज्ञानिकों को कुछ अजीबोगरीब चीजें नजर आई। किसी ने इन्हें रहस्यमय दरवाजा बताया तो किसी ने आंखों का धोखा कहा। पिछले दिनों लाल ग्रह पर देखी गई अजीबोगरीब आकृति को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने रॉक टावर करार दिया था, लेकिन एक इजरायली ब्रिटिश जादूगर यूरी गेलिर ने दावा किया कि नासा मंगल पर देखे गए मुड़े हुए रॉक टावर के बारे में झूठ बोल रहा है। उनका मानना है कि ये खंभे दरअसल एक दुर्घटनाग्रस्त UFO के अवशेष है। जादूगर ने कहा कि वह स्पेस एजेंसी के दावों को लेकर बेहद नाराज है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि वे टावर पत्थर के नहीं है। यूरी गेलिर TV पर सबके सामने अपनी दिमागी शक्तियों से चम्मच को मोड़कर चर्चा में आए थे। उन्होंने कहा कि नासा के पास मंगल ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त UFO के बहुत सारे फुटेज है। गेलर का मानना है कि अजीबोगरीब मोड़ वाली लाल संरचनाएं UFO का आंतरिक हिस्सा है।
कई दशकों से मेरा भी मानना है कि लाल ग्रह पर एलियंस का एक या एक से अधिक यूएफओ दुर्घटनाग्रस्त हुए है और मुझे लगता है कि ये उसके आंतरिक हिस्से है, क्योंकि एक स्पेसक्राफ्ट आकार में बेहद विशालकाय होता है और जब यह क्रैश होता है तो इसके टुकड़े चारों तरफ फैल जाते हैं। कोई भी समझदार व्यक्ति बता सकता है कि ये चट्टाने नहीं हो सकती, ये किसी चीज़ का मुड़ा हुआ मलबा है। इसलिए नासा ने जो कहा है मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ। बता दें कि इस साल मई में नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने इसकी खोज की थी, हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि ये टावर कितने लंबे, कितने मजबूत या कितने पुराने हैं। खगोलविदों ने दावा किया है कि ये एक बड़ी चट्टान संरचना का हिस्सा है जो कई साल पहले नष्ट हो चुकी है। तो आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए वीके बी न्यूज़। नमस्कार।